मिर्चाई पाई है, अली फातो अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे हमने देखा था SNIP जो है वो जर्नल्स का, फिर सर आपने वो चेक कर लिया? आपने कहा था मैं असाइनमेंट चेक करके रिव्यूज दूंगा। उसके बाद जो है साइमेगो जर्नल रैंकिंग और जर्नल जे इन ईयर एक्स इज नंबर ऑफ वेटेड साइटेशन रिसीव बाय जे इन एक्स टू एनी आइटम पब्लिशिंग जे इन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल एंड रिव्यूज पब्लिशिंग इन एक्स वन साइटेशंस आर वेटेड डिपेंडिंग ऑन द रैंक ऑफ द साइटिंग जर्नल। ए साइटेशन कमिंग फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट जर्नल विल बी काउंटेड फॉर मोर देन वन साइटेशन। साइटेशन कमिंग फ्रॉम ए लेस इम्पोर्टेंट जर्नल विल बी काउंटेड फॉर लेस देन वन साइटेशन। बेस्ड ऑन साइटेशन डेटा ऑफ द मोर देन 18,000 पीयर रिव्यूड जर्नल इंडेक्स बाय सिंपसिस फ्रॉम 19 पीयर एंड का फार्मूला ये 3 ईयर के मुताबिक लास्ट 3 ईयर का करता है। उसमें वो लास्ट 2 ईयर का करता था, ये लास्ट 3 ईयर का करता है। ये उसकी डेफिनेशन है कि कोई जर्नल ये है इन पर्टिकुलर एरियन में उसका साइटेशन क्या होगा, जर्नल की उससे पिछले पे नंबर ऑफ साइटेशन आइटम पब्लिश डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल रिव्यू पब्लिश। ठीक है, यहाँ पे ये इम्पैक्ट फैक्टर SNIP और SGR, यहाँ पे इसका नेचर का था इम्पैक्ट फैक्टर 12 था, SNIP 3 था और इसका 6 जो है हमारे पास जो है SGR स्कोपस के अंदर उसका इम्पैक्ट फैक्टर, इसी तरीके से इसका 1.3 है और इसका SNIP 3.3 था और इसका जो SGR है स्कोपस में 2.5। यूजिंग स्कोपस टू फाइंड आउट अबाउट वेयर टू पब्लिश पोटेंशियल कोलैबोरेटर प्लेस फॉर स्टूडेंट अटैचमेंट रिव्यूज एंड एग्जामिन। स्कोपस को यूज करते हुए कैसे आपको जो है पोटेंशियल कोलैबोरेशन को और कहां पे स्टूडेंट के अटैचमेंट कहाँ है रिव्यूअर्स और एग्जामिनर्स की, इससे स्कोपस को यूज किया जा सकता है। जैसे स्कोपस के अंदर जैसे ये टॉपिक है सिमेंटिक प्लेजरिज्म डिटेक्शन, अब इसको आपने सर्च किया यहाँ पे लास्ट 7 डेज में, इसको आपने सर्च किया तो हमारे पास ये जो है स्कोप आ गया कॉन्फ्रेंस जर्नल पर एरिया। अब इसमें ये सोर्स टाइटल यहाँ पे ये बता रहा है कि किस एरिया में जो है क्या कर रही है हमारे पास, यहाँ पे ये एरिया
कौन कौन से जर्नल में, ये सोर्स बता रहा है कौन कौन से जर्नल में कितने कितने डॉक्यूमेंट हैं और ईयर वाइज बता रहा है, तो ये सारी जो है उसकी कॉन्फ्रेंस और जर्नल्स के अंदर इसकी पब्लिकेशन फ्रॉम ईयर 2012 तक 37 उसको रिजल्ट मिले, किस किस ईयर में कितने कितने हुए। यहाँ पे देखें पहला पेपर 2004 में हुआ था, 5-6 में कोई नहीं हुआ, 7 में कोई नहीं हुआ, फिर ये जो है 8 में जो है वो 3 पेपर हुए, 9 में कोई नहीं हुआ, फिर 10 में 11 में, इस तरह से हुआ। तो ये यहाँ पे पीपल हु वर्क इन द सेम एरिया, यहाँ पे वो अक्सर के नाम दे रहा है कि इस एरिया में किसके कितने कितने पेपर हैं, जैसे इसके सबसे ज्यादा पेपर है। ये आप अपने जो कंपटीटर्स हैं इस एरिया में उनको भी देख सकते हैं, इस स्कोपस के अंदर एनालाइज कर, ठीक है। जैसे इनोमिस रेंज के दो पेपर हैं और आगे हमारे पास बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ कोलैबोरेटर रिव्यूअर एंड एग्जामिनर, आप उसकी एक इंडिविजुअल का भी देख सकते हैं। जैसे ये थी हमारी जितने जो है वो पढ़ाया था, ये उसी की स्लाइड नोमिस में, ये उसका आपने देखना हो कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, कितने रेफरेंसेस हैं, साइटेशन कितनी हो गई हैं, एच इंडेक्स कितना है, ये को ऑथर कितने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी जो है उसकी ऑथर आई डी और किस किस नाम से है, जहाँ पे जैसे सलीम नोमी लिखा है, सलीम एन लिखा है, सलीम नोमी बिनती उसका पूरा नाम, तो ये मुख्तलिफ नामों से जैसे एफिलेशन कहाँ कहाँ पे है इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मलेशिया जो है, तो फिर ये उसके जो डिफरेंट टॉपिक्स के डिपेंड करती है। तो ये एक ऑथर वाइज जो है ऑथर को एग्जामिन करना हो कि वो उसकी स्ट्रेंथिस क्या है और उसके जो है ना, यानी इसमें आप अपने एरिया के, अब जैसे देखो ना आपका थीसिस वैल्यूएट होना है अगर, तो फेयर चले, फेयर मतलब कि आपका सुपरवाइजर आपका एरिया का देख के जिसके ज्यादा क्लोज है आपके एरिया के उसी बंदे को लाना चाहिए, तो आप इस तरीके से अपने एरिया के जो आपके कोलैबोरेटर हैं नेशनल, तो वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कंपटीटर हैं, किसको जो है मेरा सुपरवाइजर एज ए एग्जामिनर सिलेक्ट कर सकता है, ये आप इसको जो है वो सारी स्टैटिस्टिक्स को एग्जामिन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। एच इंडेक्स क्या है, A scientist has index H if H of his or number of paper have at least H citation each and other NP minus paper have no more than H. इसमें ये है कि मतलब किसी का 5 H index का मतलब है कि 5 paper ऐसे हैं जो 5 मतलब cite होंगे, बेशक उसके paper 30 paper हैं उनमें से 5 ऐसे हैं जो 5 या 5 से ज्यादा दफा cite होंगे, उसका एच इंडेक्स 5 हो जाएगा, ठीक है। इफ यू डोंट हैव क्लियर हाउ मेनी टाइम्स योर पब्लिकेशन हैव बीन साइटेड और व्हाट यू आर इज दैट लाइक अ स्टूडेंट हु डजंट नो देयर सी जीपीए, कहता है किसी को ये नहीं पता कि मेरा एच इंडेक्स कितना, तो ऐसे ही जैसे उसको स्टूडेंट कहे मुझे नहीं पता मेरा सी जीपीए, तो इस तरीके से जो है इनफॉर्मल चैनल साइंटिफिक डिस्कशन कैन रीच ए लार्जर ऑडियंस, गुड फीडबैक हेल्प हेल्प आइडिया डिस्कस क्वेश्चन ऑफ मटेरियल विद पीयर ग्लोबली। अब इनफॉर्मल चैनल जैसे आपका फेसबुक ट्विटर वगैरह है उसके ऊपर आप ब्लॉग वगैरह करते हैं, फेसबुक की ग्रुप्स बने हैं, साइंटिफिक ग्रुप बने हैं, receptions, coffee breaks, supervision, फिर सच कम्युनिटीज हैं, ये इनफॉर्मल हैं ट्विटर फेसबुक वगैरह, फेसबुक फॉर्मल के अंदर आपके पास कॉन्फ्रेंस पेपर पोस्टर हैं, ठीक है, बुक सीरीज हैं, मोनोग्राफ है, जर्नल आर्टिकल है, ओपन एक्सेस जर्नल है, विकिपीडिया है, फीचर आर्टिकल है, तो ये डिफरेंट चैनल हैं जिनको जो है आप यूज कर सकते हैं बाहर रिसर्च कम्युनिटी में।
ये है कि प्रॉपर मैनुस्क्रिप्ट लैंग्वेज होता है, व्हाट आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ What are the characteristics of the best manuscript writing you have seen? Use proofreading service. Edit my English student proofreading.com.uk. तो ये जो है ना इस चीज को बड़ी appreciate और suggest करती थी कि आप कभी भी paper को ऐसे ना भेजें, हमेशा प्रूफ रीड करवा के भेजे। उसमें यह कि वो ये एक फैक्टर है कुछ रिव्यूअर्स का कि आपकी इंग्लिश को देख के आपका पेपर रिजेक्ट कर देते हैं, तो उनको जो है ना उनको उससे बचने के लिए फिर वो कहते हैं कि आप प्रूफ रीड करवा के भेजे। और कुछ वैसे भी कि उन लोगों के कल्चर के अंदर क्योंकि उन्हें वो इंसेंटिव मिलते थे प्रूफ रीडिंग के लिए, वो आप प्रोफेशनल प्रूफ रीडर के पास, अब जैसे मैंने पेपर को प्रूफ रीड करवाया था तो वो 200 रिंगट लेता था, वो प्रॉप ने दे दिया था, प्रॉप ने दे दिया था तो हमने करवा लिया था, वरना हम तो फिर ये ऐसे एक में प्रॉप ने कहा कि ये तो कॉन्फ्रेंस पेपर है मैंने इसके पैसे नहीं देने, तो फिर मैंने एक पाकिस्तान से तो PhD करने गया हुआ था इंग्लिश का, एक दोस्त था उसको कहा वो दे दो, उसने प्रूफ रीड कर दिया। ये ऐसे तो हमारे काम होते हैं, तो लेकिन ये रिकमेंड करती है कि अगर आप अच्छे जर्नल में भेज रहे हैं तो आप एटलीस्ट जो है जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है उनसे प्रूफ रीड करवा के भेजें किसी एक्सटेंट तक। अभी जो मेरा पेपर था प्रो उसमें भी उन्होंने यही लिखा हुआ है कि आप इसको प्रूफ रीड करवा के भेजें, यानी हमारी इंग्लिश में कमजोरी है। इसका फायदा क्या है कि आप कुछ लिख रहे होते हैं, परसेप्शन आपका कुछ होता है और आगे जो रीडर है उसको कुछ और समझ रहा होता है, उस चीज से बचने के लिए फिर क्या करते हैं आप प्रूफ रीड करवाते हैं। और इसमें जो सबसे बेस्ट है ना उसमें ये है कि आप अपने दोस्तों से एक दफा जो है ना जो भी आप कुछ लिखते हैं किसी दोस्त को कह के आप उसको पढ़े और आप मुझे बताए आप उसको क्या समझ आएगा, अगर वो समझ लेगा तो इसका मतलब रिव्यूअर भी समझ लेगा। तो ये अब आप अपनी परसेप्शन में लिख रहे होते हैं और अगर आप उसका कुछ और समय रहता है तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है, उस चीज़ से बचने के लिए जो है वो। और ये जो प्रूफ रीडर है जहाँ पे वो कंफ्यूज होता है वो आपसे पूछता है आप इससे क्या मीनिंग लेना चाह रहे हैं, फिर उसके मुताबिक प्रूफ रीड करता है। और इवन वो जो हमारा एक वो कैनेडियन था वो तो यूनिवर्सिटी में एक टीचर लेक्चरर था, सीनियर लेक्चरर, वो नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज तो वो करता था, लेकिन वो जिस लाइन पे वो भी कंफ्यूज हो जाता था वो हमसे पूछता था कि अगर आपको लगता है कि मैंने गलत कर दिया है तो आप उसको जो है ना उसको एक्सेप्ट ना करें, वो लिखता था वगैरह। द पेपर फेल वेल बिलो माई थ्रेशहोल्ड, दिस पेपर फेल वेल बिलो माई थ्रेशहोल्ड, आई रिफ्यूज टू स्पेंड टाइम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड What the author is trying to say. Besides, I really want to send a message that they cannot submit garbage to us and expect us to fix it. My rule of thumb is that if there are more than 6 grammatical errors in the abstract, then I don't waste my time carefully reading the rest. ये editor ने complain की है, यानी उसने वो review भेजा है. This paper fell very below my threshold. I refuse to spend time trying to understand what the author is trying to say. Besides, I really want to send message that they cannot submit garbage to me and expect to us to fix it. समझ गए? तो इसलिए जो है, क्योंकि ना हम लोगों की इंग्लिश जो है ना वो कदरे बेहतर ही होती है, इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन फिर भी बेहतर यही है कि जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो जो है ना वो प्रूफ रीड करवाते या किसी दोस्त से पढ़ाते जो है। तो मेरी तो खैर इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं थी, मैंने इसीलिए अपने दोस्त होते हैं उनको मैं जब भी पेपर सेंड करना होता उससे पहले जो मेरे साथ को ऑथर होते हैं उनको मैं कहता हूँ आप इसको पढ़ो, इंग्लिश की एरर्स निकाल लो फिर भेजते हैं। अभी भी जो है वो मैंने जो मेरा पेपर सेप्ट उसका मैंने अपना वो जो जो उसका मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग आता है उसकी इंग्लिश अच्छी है,
यूईटी से पढ़ा हुआ था, तो उसको मैंने कहा कि इसकी इंग्लिश कहता नहीं है, बाद में भी आना प्रूफ रीडिंग का तो बाद में कर दूंगा। और वो बाद में आया था, वो प्रूफ रीड कर। नाउ इट इज द ऑथर रिस्पांसिबिलिटी टू मेक श्योर दैट पेपर इज इट्स बेस्ट पॉसिबल फॉर्म व्हेन सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन। हाउएवर पब्लिशर ऑफन प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर ऑथर हु आर लेस मेंशन ऑफ इंटरनेशनल जर्नल। सम पब्लिश मे परफॉर्म टेक्निकल स्क्रीनिंग प्रायर टू पीयर रिव्यू। तो वो टेक्निकल स्क्रीनिंग भी करते हैं आपके पेपर की, कुछ जर्नल में है वो पहले जो है स्क्रीनिंग पहले करते हैं और बाद में जो है उसको रिव्यूअर्स के पास भेजते हैं। आगे है मैनुअल मैन्युस्क्रिप्ट के जो है टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस फॉर नाउन फैक्ट्स एंड हाइपोथेसिस। द एवरेज लाइफ ऑफ ऑनेस्टली हनी बी 6 वीक्स। जो नाउन फैक्ट्स हैं उनको क्या किस में लिखेंगे, प्रेजेंट में। Past tense for experiment you have conducted. All the honeybees were maintained in environment with a consistent temperature of 25 Celsius. So past tense when you describe the result of an experiment. Past tense जब आप result present कर रहे होते हैं, the average lifespan of bees over contained environment was 8 weeks. के बाद यूज एक्टिव वॉइस टू शॉर्टन द सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस का इट हैज बीन फाउंड दैट देयर हैड बीन, एक्टिव वॉइस का वी फाउंड दैट। पैसिव वॉइस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाज कंज्यूम्ड बाय द प्लांट, द प्लांट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अवॉइड एब्रीविएशन इट्स वर नॉट हैज नॉट नेवर यूज देम इन साइंटिफिक राइटिंग, ओनली यूज एब्रीविएशन फॉर यूनिट्स ऑफ मेजर्स एंड एस्टैब्लिश साइंटिफिक एब्रीविएशन, जैसे डीएनए हो गया इस तरह का। जी आप क्या कह रहे हैं, आपका वो माइक अनेबल नहीं है? हाथ उठाया सर, वो मैंने पूछना था। क्यों पूछा सर? पूछना ये था कि जब हम पेपर लिखते होते हैं तो प्लेजरिज्म रिमूव। सर आपको आवाज आ रही है? तो एक्टिव वाइज आपने यूज करना है, एज कंपेयर टू एब्रीविएशन यूज नहीं करनी है। मिनिमाइज योर एडवर्ब हाउएवर इन एडिशन मोर ओवर एलिमिनेट रिडंडेंट फ्रेजेस। अस्सलाम वालेकुम सर। डबल चेक अनफेमिलियर वर्ड एंड फ्रेजेस, यानी कि जो नाउन लफ्ज यूज करने। ग्लाम ग्लास क्या कहते हैं भाई, बार बार आप हाथ उठा रहे हो। सलामुलेकुम नहीं सर। आ रही आप लोग, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा मैंने माइक ही नहीं लगाया था तो मुझे आप लोग बोलते भी होंगे तो पता नहीं। हाँ जी आप बोले। अच्छा सर, सर ये जो है अपना जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वाली स्लाइड सर आप शेयर करेंगे सर? कौन सी? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको ऑलरेडी शेयर की हुई है मैंने। जी सर आई थिंक ये है हमारे पास ना, मेरे ख्याल में शेयर की हुई है। हाँ जी सर, वो जो आपने फोल्डर शेयर किया है ना, वो मुझे बाय मेल पे एक्सेस नहीं हो रही। मैं आपको अपना जीमेल का एड्रेस सेंड करूँ? हाँ हाँ जीमेल, अब मैं आप जीमेल पे भी मैंने सेंड किया है ये पूरी स्लाइड को, मैंने उसके ऊपर पोर्टल के ऊपर भी इवन रखा हुआ था, आप पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब ये स्लाइड स्टार्ट हुई थी ना, इसकी मुकम्मल जो वर्जन है वो मैंने रखा हुआ था। अगर फिर भी आपको मसला होता तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना तो मैं ईमेल कर दूंगा। आप चेक कर लेना, उसको मैं जिप करके भेजा था, लेकिन मैंने ये सारों को मैंने इंडिविजुअल, शायद मैं चेक कर अभी चेक कर लेता हूँ, मैंने इंडिविजुअल सबको ईमेल भी किया था मेरा ख्याल। सर मैंने एक क्वेश्चन करना है। ये दो क्वेश्चन करें, एक सर मैं काफी देर की कोशिश कर रही, शायद आपको आवाज नहीं आ रही थी। सर प्लेजरिज्म अवॉइड करने का सबसे मतलब, एक तो जब हम उसको एक टर्नटेन रिपोर्ट निकाल लेते हैं उससे पहले ही अगर हम उसको मिनिमाइज मतलब हम लिखते हुए कर लें, वो कौन सा वे है? इंस्टेड के बाद में अगर उसको रिफ्रेज करें, एक्टिव टू पैसिवाइज करें और सिनोनिम्स लगाएं। नहीं इसमें ऐसे नहीं है, जो बेस्ट वे होता है ना जिसमें प्लेजरिज्म नहीं आती, उसमें ये होता है कि देखो आप जब आप रीडिंग कर रहे हैं ना,
रीडिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ फैक्ट्स मिले, पढ़ने के बाद आपके जहन में एक थीम बनता है और आपने उससे चीज कंक्लूड की। कुछ लोग ऐसे करते हैं, फैक्ट्स को एज इट इज लिखते हैं और उसकी साइटेशन को सेव कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो उसका जो निचोड़ होता है आप लिखते ही वो है, यानी जो कुछ आपने अंडरस्टैंड किया उसको अपनी वर्डिंग में लिखते हैं और साथ में साइट करते हैं। ये जो मेरी जो मैंने इससे अखज किया है, जो इससे मैंने अंडरस्टैंड किया है वो ये है। तो जब आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे अंडरस्टैंड करने का, यानी एक दफा उसको हजम करने के बाद जब आप लिखेंगे, अंडरस्टैंड करने के बाद जो लिखेंगे उसमें प्लेजरिज्म नहीं आती। और वो जो दूसरा वे है ना, जो आप कह रहे हैं कि रीफ्रेज कर ले या कुछ इस तरह का काम कर ले, उसमें फिर वो क्वालिटी नहीं बनती। जी सर, सर आपने अभी कहा ना कि जैसे कि हम पाकिस्तानी की इंग्लिश इतनी बेहतर नहीं होती, तो जब हम उसको नहीं ऐसी बात नहीं है। जो है ना वहाँ पे जब एडमिशन होता है मलेशिया में वैसे जो है जी सर, जो है वो आइल्स मांगते हैं और वो पाकिस्तानियों को समझते हैं पाकिस्तानी भी उन मुल्कों की कैटेगरी में शामिल है कि इन्हें आइल्स की जरूरत नहीं है, इनकी इंग्लिश ठीक है। ऐसी बुरी इंग्लिश नहीं है हमारी। तो हमें एग्जेम्पशन थी, मैंने आइल्स नहीं किया। वो कंसीडर करते हैं कि पाकिस्तानियों की इंग्लिश ठीक है। तो ये इतना भी आप अंडर एस्टिमेट ना करें। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम अंडरस्टैंड करके अपनी लैंग्वेज में लिख भी लेते हैं, लेकिन स्टिल टैंडन रिपोर्ट में चले कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है वो प्लेजरिज्म आ जाती है। अब हम इतने हाईली एफिशिएंट तो हैं नहीं, यानी कि बीइंग द बिगिनर्स कि हम जी बिल्कुल सही लिखे और वो 15% से ही लो आ जाए। नहीं मैं सही बता रहा हूँ, आप इसमें जो कमी होती है ना, जब आप ना इंटरप्रेटर के तौर पर यूज करेंगे ना, इंटरप्रेटर क्या करता है, एक लाइन रीड की उसको ट्रांसलेट कर दिया तो फिर आपकी प्लेजरिज्म नहीं जाएगी। जब आप कंपाइलर की तरह काम करोगी ना, तो पूरा पैराग्राफ पढ़ा, अब पैराग्राफ लिखा, तो फिर प्लेजरिज्म चली जाएगी। समझ आई बात की? जी सर। ये ट्राई करना, ये वाला इंटरप्रेटर और कंपाइलर वाली टर्म, कि जब इंटरप्रेटर करता है तो आपके पास ना वैरायटी कम होती है, इसलिए वो प्लेजरिज्म भी नहीं करती, रह जाती। तो लेकिन जब आप कंपाइलर की सर स्टिल इस पर्पस के लिए तो वोकैबुलरी हाई होनी चाहिए ना, क्योंकि हमने तो उसी लाइन को जब मॉडिफाई करना अपने वर्ड्स में उसका तरीका ये होता है, जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रखें, उसके ऊपर राइट क्लिक करें, सिनोनिम देखें, कोई आपको अच्छा लगता है देन उसको फिर गूगल करें कि इसका मानी क्या क्या बनता है, कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं बनता, यानी मैं जो समझ रही हूँ इसका ये मानी है हालांकि इसका मीनिंग और, क्योंकि एक वर्ड के जो मल्टीपल मीनिंग भी होते हैं ना, और जो ज्यादा मशहूर होता है लोग वो कंसीडर करेंगे, और वो कंसीडर करने में उसको लगेगा कि ये सही है और आपका परसेप्शन गलत हो जाएगा, तो ऐसा ना हो ये चीज देखना होता है। अच्छा मैं सेंड आइटम में देखता हूँ, रिसेंटली सेंड आइटम में आपने असाइनमेंट पे रिव्यूज देने थे हमें, वो इस हफ्ते ना, इस हफ्ते मैं भूल ही गया कि आपकी असाइनमेंट चेक करनी है, और संडे को मैं ये सोचता रहा कि मैं क्या करूं कि कैसे संडे में जो है ना वो पता नहीं कौन सा काम, ये याद नहीं आया कि मैंने आपकी असाइनमेंट भी चेक करनी है। सही सर, मैं होप सो इस दफा मैं कर लूंगा। सर हमारी बेशक रहने दीजिएगा चेक करने, क्यों भाई इतनी हाई फाई है। हाईफाई नहीं था, शर्म वाली बात ही होगी कोई ना। नहीं इसमें ये तो आप देखो मेरी बात सुनो, सारे सीखने के प्रोसेस में है, जब सीख रहा होता है तो वो चीजें जब सामने आती हैं तो आप चीजें सीख रहे हैं तो फिर बेहतर होता है, तो उसका पता तो चले भाई क्या होना चाहिए था क्या नहीं हुआ या क्या। ये मैं है दूसरे वाले को पहले मैं दोबारा सेंड कर दूंगा, इसका बेहतर हल ये है कि इतना ज्यादा वो करने की बजाय
मैं आप सब लोगों को ना ये दोबारा ईमेल कर दूंगा। वैसे इस पे भी होगी, यहाँ पे चेक की जा सकती है आपको, मैंने ये उसके ऊपर पोर्टल के ऊपर लगाई है कि नहीं, तो वो पोर्टल में देख लेते हैं। ये मॉड्यूल 5 इतने ये वाला पार्ट 1 वाला ही है, ये मुकम्मल वाला नहीं है, ये मुकम्मल वाला नहीं है, ये जो पार्शियल था ना ये वो वाला। चले वो भी मैंने ईमेल की होगी या कुछ किया होगा, मैं दोबारा कर देता हूँ आप लोगों को ये मुकम्मल वाला। अच्छा अभी लेकिन मैंने इसको जिप करके रखा भी हुआ है, अगर आप देखें ये देखें मैंने रखा हुआ इस स्पीकर में कर लेता हूँ, ये जीमेल में कॉल सही जो आज इसी यूनिवर्सिटी के थ्रू जो ईमेल आईडीज बने हुए हैं इस पे 1.8 MB या 1.5 MB से ज्यादा कोई फाइल अटैच होके जाती नहीं है, मतलब अगर आपको भी सेंड करनी हो या किसी और टीचर को भी तो वो ये कहते थे जी प्रोवाइड फोल्डर भी वो अक्सर सेंड नहीं करता, वो यही कहते हैं कि कंटेंट एंड और वॉइस साइज का मसला है। हो सकता है ये शादी शहर का होगा। सर फिर अल्टरनेटिव वे क्या है कि हमने अगर इतनी कोई फाइल भेजनी हो तो कैसे भेजें? आप उसको ड्राइव में शेयर कर लें, गूगल ड्राइव पे शेयर कर लें, गूगल ड्राइव से शेयर करना। अभी तो खैर ये मैंने जिप किया हुआ है तो आप गूगल ड्राइव से शेयर कर लें, वो बेस्ट वे है। बल्कि काम कर लेते हैं यहाँ पे ना, तो मैंने बनाया भी हुआ था शेयर फोल्डर आप लोगों के साथ, मैं ये कर देता हूँ उस पर रख देता हूँ। उस पर ये होगा कि आप लोगों को ये जो इशू है ना आपका और मेरा, जिसको भी जो कुछ करना होगा ना वो वहाँ से कर दिया करेगा ना, तो वो मुझे भी मिल जाया करेगा, आपको भी मिल जाया करेगा, इसमें वो इशू नहीं होगा। मैं अभी वो शेयर फोल्डर जिसमें सारों को शामिल कर देता हूँ, एक शेयर फोल्डर बना देते हैं। मेरा मैंने कुछ एमएससी वालों के साथ ये पीएचडी रिसर्च वालों के साथ भी बताया बनाया तो है। ये देखें इसको अच्छा मोहम्मद आसिफ अब्रार ये पीएचडी रिसर्च
ये देखें, ये आप लोगों को नहीं शेयर किया, ये देखो सनिया फोरम गुलामबाज सर हमें तो मिल गई है, वो मैडम सादिया का वाई मेल है तो उनके साथ गूगल ड्राइव शेयर नहीं होगी। हाँ उनके साथ गूगल ड्राइव तो सर जी टू जी शेयर होने। हाँ जी ये उनको साथ शेयर नहीं होगा। हाँ जी सर वो मैं आपको ना जीमेल का अकाउंट सेंड कर देती हूँ। हाँ आप मुझे एक ईमेल करें, मैं आपको भी ऐड कर देता हूँ। और इसके ऊपर ये देखो ये मैं अभी आपको बताना दूँ ये। हाँ अभी बता दे मैं ऐड कर देता हूँ। सर मैं भी आपको अपना ना जीमेल का अकाउंट देता हूँ क्योंकि मेरा ये जो अकाउंट है ये भी मेरा भी याहू पे है ना सर। ठीक है आप, मैं अभी एक ये ओपन होता है ना दोनों ऐसे वर्बली करके इनको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा आप बताओ सर सादिया सहन SADIA SHAR at GCWF .edu.pk सर आपको मैंने SMS कर दिया सर ये चैट में ना, यहाँ से सर कॉपी पेस्ट कर दिया सर। ऐसे बता दो यार सर अब्बास ABBASS ABBASS गुलाम GHULAM गुलाम 182 सर 182 जी सर एट gmail ये तुम्हें सही नजर आ रहा है ना। जी सर आ रहा है ये ठीक है पास किया। चलो इनको भी मैं ठीक है जी। अब आप इधर से जो है ना वो आप इसको उठा ले, ऑलरेडी पड़ा है ये मॉड्यूल 5 जो है यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सर। अच्छा भाई यहाँ पे तो ये तो मैंने इससे पूरी लैंग्वेज की बात हो गई। अच्छा इवन जो है ना पाकिस्तानी कम्युनिटी को तो जो है ना वो बड़ी रिस्पेक्ट थी। जैसे ना एक एक हमारा जो ISS पाक का जो है ना वो था सदर था, उसने रिक्वेस्ट भेजी थी हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ना वर्कशॉप रखवाना चाहते हैं हाउ टू पब्लिश हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल। कहते जी आप लोगों को क्या जरूरत है ये चीज सीखने की, आप तो सीखे सिखाए आते हैं, जितने पेपर है आप पब्लिश करते हैं, आपके इतनी लो लेवल की जो है ना वो ना वर्कशॉप कराए भैया तुम वो जो छाप के चले गए, अब जो बाकी है उन्हें भी तो कुछ चाहिए ना। तो ये हमारा वो इमेज अच्छा था वैसे तो जो है ना पाकिस्तानी पब्लिकेशन वाइज जो है ना वो नंबर 1 पे थे UTM में। मैनुस्क्रिप्ट लैंग्वेज ग्रामर मिनिमाइज यूज ऑफ एडवर्ब हाउ वेयर व्हाई ये बात हो गई। इसके बाद ये जो उसने लिखा गया नेवर से एंड रेफरेंस देयर इन एज इन वन एंड टू एनी इंटेलिजेंट रीडर नो टू लुक एट द रेफरेंस इन पेपर इन ऑर्डर टू गेट इवन मोर इंफॉर्मेशन। ये एज करके नहीं लिखना, जो कुछ उसने बात की है वो बात लिखेंगे ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे ये जो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे इसने लिखा हुआ कि आपने ऐसे नहीं करना कि जैसे उस पेपर ने कहा क्या कहा ये नहीं लिखा, तो आपने वो बात पूरी लिखनी है कि फलां यानी बात पूरी लिखने के बाद फिर आपने साइड करना है कि फलां ने ये कहा ठीक है। एनी इंटेलिजेंट रीडर नो टू लुक एट द रेफरेंस इन द पेपर इन ऑर्डर टू गेट इवन मोर इन्फॉर्मेशन। Delete in present report. It is impossible for it to be in different report. You start the conclusion in this report we have prepared. This is nonsense. Sample were prepared in laboratory. ठीक है।
आपने थोड़ी प्रिपेयर की है तो वो सैंपल। अच्छा, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च आर्टिकल क्या है, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड। ये मॉडल तो आपको पता होगा, इमरड वाला, मेक द मेजी फॉर इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग इंफॉर्मेशन अट्रैक्टिव इफेक्टिव। ये जो चीजें लिखते हैं ना, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जब जो आप किसी डेटाबेस के अंदर सर्च करते हैं ना, जैसे गूगल स्कॉलर में करते हैं, आप IEEE में करते हैं, तो उसकी सर्चिंग इन्हीं के बेस पे होती है, आपके कीवर्ड के बेस पे। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो कीवर्ड यूज हुए, टाइटल के अंदर जो कीवर्ड यूज हुए, तो यहाँ से सर्च करते हैं। तो आप लोगों ने इसलिए जो है, आपका जो भी है ना, जो भी थीम है आपकी रिसर्च का, उसके जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट में भी आने चाहिए, वो आपके टाइटल में भी आ जाए, आपके जो है कीवर्ड में भी आए। तो उससे ये होता है कि आपको जब देखो ना, आपके काम को पजीराई तब मिलेगी जब दूसरे पढ़ेंगे और उसको साइट करेंगे। अगर वो सर्च करे और उसको वो निकाल के ना लाए, इसका मतलब ये है कि आपके कीवर्ड में कमी है, आपका जो काम है उसके अंदर वो सर्च ही नहीं हो रहा। सर्च के लिए स्पेशल आपको कुछ करना पड़ता है तो फिर बात गलत हो जाए। इसलिए कोशिश करें अपने कीवर्ड्स में, अपने टाइटल में, एब्स्ट्रैक्ट में ऐसे कीवर्ड तो हों जो फौरन जो है आपके काम को निकाल के लाए। फिर दूसरा, जनरल स्पेस इज नॉट अनलिमिटेड, मेक श्योर आर्टिकल एज कंसाइज एज पॉसिबल। अनलिमिटेड जनरल में भी नहीं होती, ठीक है, ऑल्दो कॉन्फ्रेंस से ज्यादा स्पेस देते हैं, लेकिन अनलिमिटेड वो भी नहीं होती। मेन टेक्स्ट जो इमरेड का मॉडल है कि इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन। इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन, उसके बाद कंक्लूजन, एक्नॉलेजमेंट, रेफरेंस और सप्लीमेंट्री डेटा। नॉर्मली ये जो है आपका पेपर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी। द प्रोग्रेशन ऑफ द थीमेटिक स्कोप ऑफ पेपर, जर्नल, स्पेसिफिक जर्नल, जर्नल, स्पेसिफिक जर्नल। हाउएवर वी ऑफर राइट इन द फॉलोइंग ऑर्डर, फिगर एंड टेबल, मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन, कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन। यानी ये देखिए, इसके अंदर ये जब आपने पेपर तैयार करना होता है, हम क्या करते हैं, पहले फिगर्स और टेबल बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, सारा काम कर लिया हमने, जब आपने करना था, सबसे पहले फिगर और टेबल्स बना के अपने गवाह खड़े करते हैं। गवाह खड़े हो गए, फिर अब उसके ऊपर कहानी बनानी है कि ये गवाह बने कैसे, उसके मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन करेंगे। जब उसकी वो थ्योरी के वो गवाह के बाद उसकी डिबेट हो गई, फिर कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और सबसे आखिर में एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल लिखेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, सारों से पहले इंट्रोडक्शन लिखना शुरू कर देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लिख के बैठे होते हैं, बाकी अभी कुछ भी नहीं हुआ था, सबसे पहले। अब होता क्या है, जब एब्स्ट्रैक्ट लिख के आगे कहानी बनाने की कोशिश करते हैं ना, वो बाद दफा मैच होती, बाद दफा मैच ही नहीं होती, बाद दफा वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो रही थी जो आप अब्जम्पशन बना के बैठे होते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं हो रही होती। तो आपने जो भी अपना सारा एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद जो हतमी नतीजा निकला है, उसके गिर्द कहानी बनानी है आप, तो उससे जो जो आपने एक्सपेरिमेंटेशन की उसकी फिगर्स एंड टेबल बनेंगी, उस पर मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन करेंगे, कंक्लूजन और आखिर में एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल लिखेंगे, टाइटल सबसे आखिर में, ठीक है जी। अच्छा जी, टाइटल में क्या है, ए गुड टाइटल शुड कंटेन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स दैट एडिक्वेटली डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द पेपर। आइडेंटिफाई मेन इश्यू ऑफ द पेपर, बिगिन विद सब्जेक्ट ऑफ द पेपर, आर एक्यूरेट, अनएम्बिगुअस, स्पेसिफिक एंड कंप्लीट, आर एज शॉर्ट एज पॉसिबल, अट्रैक्ट अटेंशन, डिफरेंट फ्रॉम अदर पेपर। ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर टाइटल में होनी चाहिए, कि आपके इश्यू को आइडेंटिफाई कर रहा है। आर्टिकल विद शॉर्ट कैची टाइटल आर ऑफन बेटर साइटेड। जो अच्छा टाइटल होता है, जो कि वो फौरी कैची मीन कि जैसे ही सर्च करते हैं फौरन निकाल के लाता है, इसकी वजह से साइटेशन भी बढ़ती है। डोंट कंटेन
रेयरली यूज एब्रीविएशन. अगर कोई एब्रीविएशन टाइटल में यूज करनी है तो ऐसी नहीं यूज करनी कि मतलब आपने बनाई एब्रीविएशन, अब इसको तो किसी ने सर्च ही नहीं करना क्योंकि इसको तो आप ही जानते हैं. लेकिन अगर नाउन है, मतलब आपने आपने करना सास यूज किया या पास यूज किया, या ना सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है, तो ये तो नाउन है, इसको फिर वो फोरन एक्सेस करके लाएगा. इसलिए जो नाउन एब्रीविएशन का वो यूज करेंगे तो वो उसके चांसेस और बढ़ जाते हैं. अब ये टाइटल ओरिजिनल का प्रीलिमिनरी ऑब्जर्वेशन ऑन द इफेक्ट ऑफ जेड एन एलिमेंट ऑन एंटी कोरियन ऑफ जिंक प्लेटिंग. ये जो हमारी ये प्रोफ नोमी सलीम थी ना, इनकी रिसर्च जो थी ना वो जो थी मल्टी डिसिप्लिनरी थी. ये इन्होंने जो है ना वो केमिस्ट्री वालों के साथ, बायो केमिस्ट्री